अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते हैं। जाकर देखते हैं कि हजरत फातिमा रोटी बना रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा तुम तो हर रोज रोटी बनाती हो, आज मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोटी बनाकर रोटी को सेकने के लिए आग में डालते हैं। बहुत देर तक रोटी नहीं सिकती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और लकड़ियों को आग में डालते हैं, लेकिन रोटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोटी से फरमाते हैं कि इतनी आग लगाने पर भी तुम क्यों नहीं सिक रही हो? तो रोटी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आपके हाथों ने छू लिया है, ये आग तो क्या अब मुझे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, जितना भी बड़ा इम्तिहान हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी के निवाले में थोड़ा सा नमक डालकर खा लो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि घर मायूस होकर लौटो। बहुत बड़ी बात है, बस थोड़ा सा अमल करने की जरूरत है। जब भी आप घर से निकलें तो रोटी के एक टुकड़े पे थोड़ा सा नमक डालकर खा लीजिए। इंशाल्लाह तबारक बताला आप जिस काम के लिए भी जाएंगे उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। ये बहुत ही बड़ा तोहफा है, तो ये तोहफा दूसरों को भी दें, क्योंकि अल्लाह तबारक बताला तोहफा देने वालों को पसंद फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे को सुबह से लेकर इशा तक कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा तो समझो उसने जन्नत खरीद ली। और जिसने भी ये खबर दूसरों तक पहुँचाई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूट जाने से बेहतर है। पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाता है। पहले इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक कोई इस वीडियो को देखता रहेगा तो जन्नत में आपके नाम का पेड़ लगता रहेगा इंशाल्लाह तबारक बताला। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल होता हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, अगर आपका दिल नहीं होता हो तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, कोई आपके ऊपर कर नहीं है। अगर आपका दिल 100% होता हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करके नेकियां कमाइए, अल्लाह तबारक बताला आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक।